हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और मेरी किचन में। तो मैं साक्षी वर्मा आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी। तो ये हम लौकी से बनाने जा रहे हैं। तो हमने एक लौकी लिया, उसको आधा कट कर लिया है क्योंकि हमें आधे ही लौकी की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। और इसका हम छिलका अलग कर देते हैं, और छिलका अलग करने के बाद हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। तो हमें मोटे लच्छे चाहिए होंगे, तो इसीलिए हम इसको मोटा कद्दूकस करेंगे। तो चलिए देखिए, अब ये कद्दूकस तो हो गया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गेहूं का आटा, जो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप। तो इसको ऐड कर देते हैं चलिए। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी एक कप बेसन, इसको भी ऐड कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, आप थोड़ा या ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा। और ये लहसुन की कलियाँ हैं, 4 से 5 होंगी, तो मैंने इनको थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था। और ये हैं चिल्ली फ्लेक्स, बहुत थोड़े से डाले हैं, ज़्यादा चटपटा ना हो जाए इसलिए। और ये छोटा चम्मच है, तो मैंने 4 चम्मच सूजी ऐड की है इसमें, और आप 2 चम्मच ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी लिया है, और टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे हम यहाँ पे, जैसा आप खाना पसंद करते हो। और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसके बाद मैंने हल्दी ली है, थोड़ी हल्दी डाल लेंगे क्योंकि हल्दी डालने पे इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा, इसलिए हल्दी भी ऐड कर ली है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम बिना पानी डाले ही मिक्स कर रहे हैं क्योंकि लौकी जो होता है वो पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये मिक्स हो गया है। तो इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए। तो देखिएगा, 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसको देखा है, तो हल्का सा पतला हो गया है। तो अब इसमें हम यहाँ पे चावल का आटा आधा कप ऐड कर लेंगे, तो ये हमें बाद में ही ऐड करना है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे चावल का आटा भी इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए इसे गैस की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमने ऑयल लिया है, ये हम पके हुए ऑयल को यूज़ करने वाले हैं, तो गैस को बंद रखिएगा। और पहले हम इसमें तिल डाल देंगे, तो आप ज़्यादा से तिल डाल दीजिएगा इसमें। तो तिल डालने के बाद जो हमने ये मिक्सचर बनाया है, इसको हम देखिए इस तरीके से ऑयल के ऊपर फैला देंगे। अभी हमें गैस को बंद ही रखना है, गैस को मत चलाइएगा। तो जो जगह छूट जाए सबको भर दीजिएगा। ये देखिएगा, मैंने चारों तरफ इसको फैला के रख दिया है मिक्सचर को। और अब हम इसको ढककर पकाएंगे यहाँ पे, और गैस को आप कर दीजिएगा हाई फ्लेम पर। तो ये देखिएगा, जब ये थोड़ा ऊपर से सिका हुआ जमा हुआ नज़र आए, तो आप समझ जाइएगा कि एक तरफ से सिक गया है और ये हिलने भी लगा है। तो चलिए इसको अब हम पलट देते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने इसको यहाँ पे पलट दिया है, तो कितना परफेक्ट सिका है ना एक तरफ से। तो इस तरफ से अभी इसे ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है सिकने में, तो किनारों पर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा इसमें, और बस 2 मिनट में ये सिककर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बस अब ये सिक गया है, तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा ही कर लेते हैं इसको। तो बस दोस्तों, अब ये नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हमें इसमें एक छोटा सा काम और करना है, हम इसमें कट लगा लेते हैं। तो आप चाहें तो 4 ही कट लगाइएगा, मैंने तो ज़्यादा कट लगा दिए हैं यहाँ पे। तो हम इसको सॉस के साथ खाने वाले हैं। तो ये देखिएगा, कट भी लगा दिए हैं, और अब इसके हिस्सों को हम थोड़ा थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि यह देखने में और भी ज़्यादा अच्छा सा लगे, इसलिए। तो मैंने सबको अलग कर दिया है, थोड़े छोटे बड़े ही कटे हैं पीसेस। तो ये लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो लौकी का नाश्ता था वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है यहाँ पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि यह वही लौकी की रेसिपी है जो हम पहले देख रहे थे। तो आप यह रेसिपी जिस किसी के भी सामने सर्व करेंगे, जो लौकी नहीं भी खाते हैं वह भी दौड़ कर आएंगे इसको खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है, आप यकीन मानिएगा और एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, यह रेसिपी तो तैयार है, आप फटाफट इसको बना लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।
तो मैं तो एक पीस को यहाँ पे टेस्ट करने वाली हूँ। मुझे तो बहुत यमी सा नज़र आ रहा है ये, आप भी बनाकर जल्दी से इसको खा लीजिएगा। बड़ा यमी बना है दोस्तों। बाय दोस्तों।